गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। आज मैं आपको क्लास वर्क प्रियोजिता सब्जेक्ट साइंस एक्सरसाइज 13, आपका चैप्टर नेम है द स्काई। तो द स्काई इस लेसन के कुछ वर्ड मीनिंग मैं यहाँ लिख चुकी हूँ, आप लोग नोट बुक में इसे उतार लेंगे। तो चलिए मैं आपको वर्ड मीनिंग समझाती हूँ। स्काई आसमान, स्टार तारा, साइन चमकना, हीट गर्म, लाइट रोशनी, रिशेज उदय होना, सिर्फ अस्त होना, ईस्ट पूरब, वेस्ट पश्चिम। तो आप लोग साइंस की बुक पहले अपने सामने रखेंगे। लेट अस नाउ मोर अबाउट द स्काई, मैं आज आपको आसमान के बारे में बताने जा रही हूँ। वी सी द सन क्लाउड्स स्टार एंड मून इन द स्काई, स्काई इज ब्लू इन कलर। हम लोग आसमान में सूरज तारे चांद बादल देखते हैं, लेकिन आसमान जो होता है ये ब्लू कलर का दिखाई देता है। द सन यानी सूरज, द सन शाइन इन द स्काई ड्यूरिंग द डे, इट इज वेरी हॉट एंड राउंड लाइक अ येलो बॉल, इट गिव अस हीट एंड लाइट, it is very big, it looks small because it is very far away from us। दिन के समय आसमान में आपने देखा होगा सूरज चमकते हैं, ये काफी गर्म होता है और एक ये पीले बॉल की तरह गोल दिखाई देता है। ये हमें गर्मी और रोशनी प्रदान करता है और ये देखने में काफी बड़ा होता है, लेकिन ये छोटा हमें इसलिए दिखाई देता है क्योंकि ये हमसे काफी दूर होता है। एवरी मॉर्निंग द सन रिसेज इन द ईस्ट, द डे स्टार्ट विथ सनराइज। एवरी इवनिंग द सन सेट्स इन द वेस्ट, द डे इड्स एंड नाइट बिगेन विथ द सनसेट। सुबह के समय सूरज पूरब से उगता है और तभी हमारा दिन स्टार्ट होता है, शुरू होता है, लेकिन शाम के समय सूरज वेस्ट यानी पश्चिम की तरफ डूबता है और जब सूरज डूबता है तभी ये रात होता है। इसका मतलब जब सूर्य अस्त होता है तो दिन खत्म होके रात स्टार्ट होती है। नेक्स्ट देखिए आप, द मून यानी चंद्रमा, द मून शाइन इन द स्काई एट नाइट, रात के समय चंद्रमा चमकता है। द मून इज राउंड एंड व्हाइट इज कलर, इट हैज डिफरेंट शेप ऑन डिफरेंट नाइट ऑफ द मंथ, सम टाइम इन द मून इज वेरी ब्राइट एंड राउंड लाइक अ बॉल, इट डज नॉट हैव लाइट ऑफ इट्स ऑन, इट रिफ्लेक्ट द लाइट ऑफ द सन। मून जो है, चंद्रमा जो है, वो रात के समय आसमान में चमकता है। ये गोल होता है और इसका कलर जो होता है सफेद होता है। ये हर महीने रात पे अपना शेप डिफरेंट रहता है यानी अलग अलग उनका शेप बनते रहता है। समटाइम इज मून इज वेरी ब्राइट एंड राउंड लाइक ए बॉल, या चंद्रमा जो होता है गोल हो, देखने में गोल होता है और काफी चमकीला होता है, लेकिन इनके पास अपनी लाइट नहीं होती, अपनी रोशनी नहीं होती है। ये सूर्य की रोशनी से रिफ्लेक्ट करके रात को ये चमकता है। वन द अदर डे इट इज लाइक अ सेमी सर्कल एंड सम टाइम वी कैन नॉट सी द मून इन द स्काई, अन्य दिनों में ये हमेशा अर्धवृत्त यानी आधा कभी दिखाई देता है और कभी कभी तो चंद्रमा हमें आसमान में दिखाई भी नहीं देता है। स्टार्स यानी तारे, एट नाइट वेन द स्काई इज क्लियर वी सी मैनी स्टार ट्विंकलिंग इन द स्काई, दे हैव लाइट ऑफ देयर ऑन, स्टार आर वेरी फार अवे फ्रॉम अस। रात के समय आकाश साफ होता है और हमें उस समय तारे आकाश में चमकते हुए टिमटिमाते हुए दिखते हैं। तारों के पास अपनी प्रकाश होती है वो, और वो हम लोगों से काफी दूर होते हैं, इसलिए तारे भी हमें छोटे दिखाई देते हैं। तो बच्चों आपने आज पढ़ा द स्काई में, यानी आपने सन के बारे में जाना,
मून के बारे में जाना, स्टार के बारे में जाना। तो मुझे उम्मीद है ये आप अच्छी तरह से पढ़ेंगे और इसका क्वेश्चन आंसर भी आप कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।